प्यारे बच्चों, क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 8.8 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता, या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए हैं? हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा गिन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की थ्योरम 8.8। पहले इसको पढ़ते हैं, क्या दी गई है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। एक पेयर है अपोजिट साइड का, वो इक्वल भी है और वो पैरेलल भी है। तो फटाफट देखिएगा कैसे करेंगे। देखो बच्चों, देखो ये आपके सामने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे दिया है इसने। जब ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे दिया है तो देखो ध्यान से, ये इक्वल भी है और ये क्या है, पैरेलल भी है। तो आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। देखो कुछ नहीं करना, अगर देखो एक पेयर तो अपोजिट साइड्स का पैरेलल है ही, अगर दूसरा पेयर भी पैरेलल कर दिया तो बोथ पेयर पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा। अंडरस्टूड? बस यही हमें करना है। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्ट कर लिया, लुक एट हियर। तो यहाँ ए सी ले लिया हमने एक डायगनल, तो डायगनल ले ली तो हम ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। कैसे भाई, ए बी सी डी के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, और ए सी वर्क कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। तो बस ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, ये हो जाएगी कॉमन ए सी, क्योंकि ए सी इस ट्राइंगल में भी इसमें भी हो गई। ठीक है बच्चों, अंडरस्टूड है? अब क्या करेंगे, अब ये दूसरा वाला जो पेयर है इसको पैरेलल प्रूफ करना है, तो उसको पैरेलल प्रूफ कर देंगे। अब करेंगे कैसे पैरेलल प्रूफ, ये बड़े मुद्दे की बात है। तो कुछ नहीं होगा, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। और जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से, तो आपको दिख रहा है बी सी किसके पैरेलल हो जाएगी, ए डी के, एंड देन प्रूफ। गॉट द पॉइंट? चलिए मैं आपको उसको प्रॉपर तरीके से कराता हूँ। सबसे पहले यहाँ गिवन देखिएगा क्या दिया गया, आपको गिवन दिया गया, यहाँ पर गिवन दिया गया ए पी पैरेलल किसके है, सी डी के, एंड ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। नेक्स्ट आपको टू बी प्रूफ्ड। प्रूफ कैसे होगा भैया बताओ, क्या प्रूफ करना है आपको? आपको प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ कैसे होगा वो तो बताया जाएगा, ये ना आपका सेशन आप इसलिए तो ले रहे हैं ये वाला। प्रूफ देखिएगा बेटा, हमने कुछ नहीं करा, हमने इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी ले लिया। ठीक है, ए बी सी और क्या ले लिया, ए डी सी ले लिया। अब करना क्या है आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी सी और ए डी सी कैसे करेंगे आप, मुद्दे की बात ये है। कुछ नहीं करना, आपको दिया गया ए बी किसके इक्वल दिया गया, जल्दी देखो सी डी के, ये तो आपको गिवन है ना बेटा। दूसरा, अब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, कैसे, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल डी सी ए के, और कैसे दिया गया है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अंडरस्टूड? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। उसके बाद तीसरा क्या लिखेंगे बच्चे, जल्दी बताओ, तीसरा कॉमन ए सी किसके इक्वल है, ए सी के, और ये हो गया आपका कॉमन। और जब ये हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, पता नहीं किसके, क्योंकि हम बनाएंगे। देखो कैसे, पहली बात तो एंगल की मिडल वर्टेक्स से पता कर लिया करो, एक तो ए वाला सी के इक्वल सी आ गया भैया। अब यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, ए सेम हो गया, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी सेम हो गया, तो बी वाला किसके इक्वल है, डी के, बी वाला डी के इक्वल हो गया। और क्या बचा, सी डी हो गया, सी डी, अब ये बचा ये प्रूफ। अब ये कौन सी कॉन्ग्रेंसी हुआ, देखो जल्दी, साइड एंगल साइड से। तो देखिए, अंडरस्टूड? अब ये साइड एंगल साइड से तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया बेटा। अब मुद्दे की बात क्या है, अब इस्तेमाल करेंगे हम सी पी सी टी को। ठीक है, किसको इस्तेमाल करेंगे, सी पी सी टी को। तो देखो सी पी सी टी से क्या करेंगे, ये वाला एंगल देखो, इस ए बी सी के ट्राइंगल सी वाला, चेक करो सी वाला ये, और ये ए के इक्वल है ट्राइंगल ए सी डी के, ट्राइंगल ए सी डी के ए के इक्वल है, चेक कर लो, दिख रहा है इक्वल है। तो अब इस ट्राइंगल का सी, ये वाला सी भाई, ए बी सी में सी एंगल तो यही आ रहा है, यानी बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल, अब इसमें ए एंगल कौन सा आ रहा है, ये एंगल आ रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, सी ए डी, एंगल सी ए डी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए किससे, बाय सी पी सी टी से। ठीक है, सी पी सी टी से आपने इक्वल कर दिए। अब मुझे करना क्या होगा, जल्दी बताओ,
जब सीपीसीटी से इक्वल कर दिए तो आपको दिख रहा है इट शोज, लुक एट हियर, कैसे ऐसे, ये बी, ये सी, ये ए, ये डी। तो देखिए ये वाला एंगल एंगल के इक्वल, अंडरस्टूड, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। दस क्या हो जाएगा, बी सी किसके हो जाएगा पैरेलल, ए डी के। देखो क्या लिखेंगे, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, प्रॉपर्टी शो कर दी इसने, इसका मतलब क्या हो गया जल्दी बताओ। दस बी सी पैरेलल किसके हो गया, ए डी के, और जब बी सी पैरेलल ए डी के हो गया तो उसका मतलब देखो ये पैरेलल तो ऑलरेडी दिया था और दूसरा पेयर भी पैरेलल हो गया, बोथ पेयर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, इट्स मीन क्या है ये पैरेलल हो रहा है। देन वेरी इजी, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ इति सिद्धम, व्हाट द पॉइंट। चलिए अब हम इनर बोर्ड में इसको विजुलाइज कर लेते हैं। देखो क्या दिया गया है, आपको एक क्वाड्रिलेटर दिया गया था ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें यही पेयर आपका इक्वल है और यही पेयर आपका पैरेलल है। अगर एक ही पेयर इक्वल एंड पैरेलल दोनों हो तो वो भी पैरेललोग्राम डायरेक्टली कंसिडर कर सकते हैं बाय थ्योरम 8.8। गॉट द पॉइंट, अंडरस्टूड, मेरी बात आपको समझ में आई। आप कह रहे थे सर अब हमारे पास दो तरीके हो गए, कौन कौन से, पहला बोथ पेयर या तो पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम, या फिर एक ही पेयर इक्वल और पैरेलल दोनों हो। अंडरस्टूड, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ पैरेललोग्राम डायरेक्टली बाय थ्योरम 8.8। आई होप आपको ये थ्योरम विजुलाइज हुई होगी। ऐसी और मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।